नमस्कार, मैं उषा मंगेशकर बात कर रही हूँ। दिलराज कौर जी ने मुझे कहा कि आप गाना कीजिए। मैंने बगैर सोचे बोल दिया हाँ, मैं गाना गा देती हूँ। जब गाना मेरे पास आया, मिस्टर अशोक हंडराही जी ने भेजा, उसको ट्यून भी लगाई थी केवल कुमार जी ने। गाना अच्छा था, ट्यून भी अच्छी थी, लेकिन मैं रिकॉर्ड किस पे करूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा था। घर में हमारे यहाँ सिस्टम वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है, गाना सुनते हैं लेकिन रिकॉर्ड कभी नहीं किया है। फिर मैंने सोचा कि हम लोग इससे करते हैं मोबाइल पे, तो मोबाइल पे कैसे चलाना ये भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर किसी से सीख लिया कि ऐसे ऐसे करके ओपन करो, ऑन करो, तो ऑन करके फिर करके देखा और अशोक जी को भेजा। वो इतना खाली और कुछ नहीं था उसके अंदर, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे एक पहचान के हैं जो राहुल श्रीवास्तव जी, उन्होंने उसको रिदम और थोड़ा सा म्यूजिक बजा के मुझे भेज दिया। तो रिदम बहुत जोर का था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैंने उनको कहा कि प्लीज थोड़ा रिदम कम करके दीजिए, मेरे समझ में सूर नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने थोड़ा रिदम कम करके मुझे भेजा, फिर मैंने पार्ट करके, जैसा रिकॉर्डिंग होता है वैसे एक 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 पार्ट चार चार मरतबा गा के उनको भेज दिया। फिर हमारे जो रिकॉर्डिस्ट हैं आनंद डबरे, उनको भेजा पहले, उनको कहा कि आप मेरे आवाज को जरा ठीक ठाक कर दीजिए, रिवर्ब पगार डाल दीजिए। तो उन्होंने करके जिनके पास म्यूजिक करना था उनके पास भेज दिया। तो फिर उसको उन्होंने इतना सुंदर तरीके से सजाया है, कैसे लगता है कि हम लोग बिल्कुल अच्छे रिकॉर्ड के लिए, सीडी के लिए गा रहे हैं। तो रिवर्ब पगार डाल के उसको इतना अच्छा, मैं तो बोलती हूँ ना कि अगर नहीं होते तो थोड़ा थोड़ा उसका दर्जा कम हो जाता, लेकिन बहुत अच्छा किया उन्होंने, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अशोक जी ने बहुत अच्छा गाना लिखा है, शब्द बहुत ही क्लियर और कम शब्दों में कहना है वो कह दिया है। और केवल कुमार जी ने वो भजन को जैसा लगता है कि ऐसा भजन होना चाहिए इस तरह से सजाया है, तो मुझे ये सब पूरा कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कोशिश करके किया है, शायद आप लोगों को अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, अब थोड़ा कम लगे तो आप मुझे जरूर बताइए कि ये कमी है और कुछ करना है इसमें, तो नेक्स्ट रिकॉर्ड में जरूर कुछ ना कुछ करूंगी। मैं बहुत आभारी हूँ जो सुन रहे हैं, और अशोक जी की, किशोर कुमार जी की और राहुल श्रीवास्तव जी की बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। मन में विश्वास के दीप जला दो, जीवन में आस की ज्योति जगा दो। मन में विश्वास के दीप जला दो, जीवन में आस की ज्योति जगा दो। कृष्ण